लेकिन मैं कुछ और चीजें हैं जिन पे मैं आज बात करनी जो है वो जरूरी समझता हूं। जनाब चेयरमैन, बड़ा मुश्किल हालात आया जब ये बीमारी आई और इस बीमारी ने बहुत सारी चीजों को अफेक्ट किया, लेकिन उसने तालीम को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। तालीम को इसलिए अफेक्ट किया कि बीमारी के जब हालात खराब हुए तो सबसे ज्यादा ये बार बार ये फैसला किया गया कि स्कूल जो है और तालीमी इदारे जो है वो बंद कर दिए जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने मिलकर, और खास तौर पर इस चीज को मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि चारों सूबों ने और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने, हमने सब ने मिलकर फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरल मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव पर हमने जो इंटर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको हमने फाल किया, और फाल करने के बाद जितने भी फैसले थे स्कूल बंद करने के, स्कूल खोलने के और एग्जाम्स के और बाकी चीजों के फैसले जो थे वो हमने मुश्तरका मिलजुल के किए। खास तौर पे आज मैं यहां पे इम्तिहानात का जिक्र करना चाहता हूं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ हमारे साथी जिन्होंने यहां से तकरीरें की और कहा कि जी इम्तिहान ले जा रहे हैं, इम्तिहान लिए जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल हमने फैसला किया कि हम बीमारी की वजह से इम्तिहानात नहीं लेंगे, जिसमें हमने मैट्रिक एफए का कोई इम्तिहान नहीं लिया, कैम्ब्रिज का कोई इम्तिहान नहीं लिया, और उससे जो हमें तजर्बा हुआ वो बहुत नाखुशगवार था। और मैं बार बार, मैं नहीं कह रहा, हम कह रहा हूं, और हम इसलिए कह रहा हूं कि उसमें सिंध की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सईद गरी साहब उनके वजीर हैं, बलोचिस्तान में एक मखलूत हुकूमत है, आजाद कश्मीर में पीएमएलएन की हुकूमत थी और है भी अभी तक, और गिलगित बल्तिस्तान में भी पीएमएलएन की, सब ने मिलकर तजिया किया, और तजिया करने के बाद हम इस नतीजे में पहुंचे कि इम्तिहान ना लेने से बच्चों की तालीम का कोई शदीद नुकसान पहुंचा है। और उसके अलावा जो कैम्ब्रिज एग्जाम था उसमें स्कूल असेस ग्रेड्स आए, उसमें भी बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे प्रॉब्लम्स नजर आए। तो उसके बाद सब ने मिलकर एक मुतफिका तौर पे एक असूली फैसला किया, और असूली फैसला यह किया कि कोई ग्रेड जो है वो इम्तिहान के बगैर नहीं दिया जाएगा। इसलिए अप्रैल में सबसे पहले कैम्ब्रिज का इम्तिहान आया, बहुत ज्यादा बीमारी फौरन शूट कर गई, लेकिन हमने इम्तिहान को आगे किया, इम्तिहान को खत्म नहीं किया, और ए टू जो उनका फाइनल ईयर है उसका एग्जाम लिया। उसके बाद अब इम्तिहान आ रहे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि बच्चों को मौका नहीं मिला सारा अपने कोर्सेज को कंप्लीट करने का, हमने कुछ कोर्सेज मिलके, अगेन मैंने नहीं, सबने मिलके फैसला किया कि जो कोर्स वर्क है उसको कुछ कम कर दिया जाए। वो कम किया, कहीं 20% हुआ, कहीं 30% हुआ, कहीं 40% हुआ। उसके बाद यह भी फैसला किया गया कि इम्तिहानात जो है वो, जब ज्यादा प्रेशर पड़ा बीमारी का और हमने तजिया किया दोबारा, तो हमने कहा अच्छा इस तरह करते हैं, इस साल जो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनका हम इम्तिहान लेते हैं और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान नहीं लेते, और डेट भी एक महीना आगे बढ़ा दी। और ये सारे फैसले, अगेन जैसे मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, ये मुतफिका तौर पर सारे फैसले किए। तो मुझे अफसोस है कि कल यहां से तकरीरें हुई जिसमें कहा गया कि जनाब इम्तिहान लिए जा रहे हैं, इम्तिहान लिए जा रहे हैं, बच्चों को पास कर दो, पिछले साल भी इम्तिहान नहीं हुआ कि जिस साल भी इम्तिहान ना लो। और मुझे तो यह भी हैरानी हुई कि हमारे एक दोस्त जिन्होंने बात की वो अपनी पार्टी से ही पूछ लेते, अपनी हुकूमत से पूछ लेते कि भाई हमने क्या मुश्तरका तौर पर फैसला किया। इससे कंफ्यूजन पैदा होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इम्तिहान ना हो, और वो एक एजुटेशन का माहौल और बाकी चीजें और ये वो, तो उससे कंफ्यूजन पैदा हो जाती कि शायद पता नहीं क्या।
तो मैं यहां पे फ्लोर ऑफ द हाउस से एक दो टो का ऐलान करना चाहता हूं कि जो हमने फैसले किए हैं, हर सूरत इम्तिहान 10 जुलाई के बाद होंगे, हर सूरत। और मैं बच्चों से कहता हूं, और मेजोरिटी ऑफ बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि ये मुतफिका पाकिस्तान की सारी इकाइयों का और सूबों का मुतफिका फैसला है कि हमने कोर्स भी रिड्यूस कर दिया है, बाकी चीजें भी कम कर दी है, टाइम भी बढ़ा दिया है, इलेक्टिव सब्जेक्ट सिर्फ कर दिए हैं, लेकिन इनका इम्तिहान हर सूरत होगा।